हेलो हाय फ्रेंड्स, स्टडी आई क्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा वीकली करंट अफेयर शो, जो कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ये इस वीडियो में रहने वाला है। दिस क्वेश्चन ओनली फॉर योर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 मीराबाई चानू ने जीता ऐतिहासिक रजत, भारत की पदक तालिका खोली। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात हो रहा है, तो भारत तलक मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। तो चार सफल प्रयासों में 26 वर्षीय चानू ने कुल 202 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में, 115 किलोग्राम और स्वेंच में 87 किलोग्राम भार उठाया था। इस जीत के साथ चानू अब ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारत तलक बन गई है। कर्णम मालेश्वरी की अगर बात करें तो 2000 सिडनी खेलों में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, जब भारत तलन खेल की पहली बार महिलाओं के लिए खेला गया था। देन इस ट्विटर पर लेते हुए पीएम मोदी ने मीराबाई चानू को भारत तलन में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है, जो कि हैशटैग टोक्यो ओलंपिक्स की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। भारत उनके शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है, कि पीएम मोदी ने ऐसे कहा है। चीन के जिहुई हू ने कुल 210 किलोग्राम भार उठाकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता, और इंडोनेशिया की विंडी केंटिका आइसा ने कुल 194 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा 2032 का ओलंपिक, जाने विस्तार से। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर के वेटिंग के बाद 2032 ओलंपिक खेलों का आधिकारिक मेजबान घोषित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के बाद साल 2024 में ओलंपिक खेल में पेरिस में और 2028 लॉस एंजिल्स में आयोजित होंगे। ब्रिस्बेन को आधिकारिक तौर पर मेजबान घोषित किए जाने के बाद वहाँ अधिसभाजी की गई है कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ही दो बार ओलंपिक मेजबानी कर चुका है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके तीन अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजित हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। तो ट्विटर की बात हो रहा है यहाँ, तो ट्विटर ने विनय प्रकाश के भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों के ट्विटर खातों पर खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। भारत के नए आईटी नियमों के अनुपालन करने के विफल रहने पर ही वजह से ट्विटर लगातार विवादों पर घेरे में रहती थी। नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी है, जो कि मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ये तीन अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई की अगर बात हो रहा है तो 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेडियो प्रसारण शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। वर्तमान में देश में प्रसारण को 87 साल से भी अधिक हो चुके हैं। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन तिरंगे को अंगीकृत किए जाने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को इस तिरंगे को फहराया था, जबकि वर्ष 1947 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 जुलाई को विश्वभर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्वभर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1924 में पेरिस में की गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस खेल को बहुत ही प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं DRDO ने आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा से ताट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली वार नई पीढ़ी की विकास मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल एक सतह से हवा में वार करने की सक्षम है, साथ ही ऐसी दौरान FT फंक्शन रडार भी यहां पर मौजूद है। कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 मिनट में 106 किलोमीटर का सफर करके लौटा न्यू सेकर जैक वेजेस ने पूरी की अंतरिक्ष की सैर। तो यहाँ पर बात हो रहा है जैक वेजेस की, जो कि अमेजन का CEO है। करीब 10 मिनट तक अंतरिक्ष की सैर करने के बाद न्यू रिकॉर्ड धरती पर लौट आया। इसके बाद जैक वेजेस अपने भाई मार्क वेजेस पायलट बेरी कॉन्क और 18 साल के ओलिवर डेमेन के साथ कैप्सूल से बाहर निकले। जब बेजोस कैप्सूल से बाहर निकले तो उन्होंने काउबॉय हैट लगा रखा था। सभी क्रू मेंबर्स को उनके परिजनों ने बधाई दी है। कमर्स वेबसाइट अमेजन के संस्थापक जैक बेजोस आज 20 जुलाई अंतरिक्ष का सफर चक्कर काटने के बाद धरती पर लौट आए। इस सफर के साथ बेजोस ने स्पेस ट्रेनिज एंड नए रास्ते खोल दिए हैं। बता दें कि बेजोस ने पहले वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रैनसन 11 जुलाई को अंतरिक्ष का चक्कर काटकर धरती पर लौट चुकी है। हालांकि यह पहली बार है कि जब किसी इंसान ने ब्लू ओरिजन के रॉकेट न्यू रिकॉर्ड से अंतरिक्ष का सफर किया है। वैसे भी एक ऑटोमेटिक रिकॉर्ड है जिसे चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती है। इस रिपोर्ट के हमने आपको ब्लू ओरिजन के बारे में विस्तार से बताने के साथ साथ लाइव अपडेट्स की जानकारी भी दे दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 सीट का कैप्सूल है जो ब्लू ओरिजन है। तो ब्लू ओरिजन की बात अगर हो रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जान लेना चाहिए। बता दें कि न्यू रिकॉर्ड नाम यहाँ यह रॉकेट अब तक 12 बार उड़ान भर चुका है, 15 बार उड़ान भर चुका है, लेकिन अब तक इसमें किसी भी इंसान की सफर नहीं किया गया है। ब्लू ओरिजन के इस कैप्सूल में कुल 6 सीटें हैं, लेकिन 4 लोगों ने ही इसमें सफ़र किया था। इसका मतलब यह है कि जैक वेजेस के साथ 3 अन्य लोग अंतरिक्ष पर सैर की थी। इनमें सबसे पहला नाम मार्क वेजेस का है जो सैप वेजेस के छोटे भाई है। वही 18 साल का ओलिवर जेमेन और 82 साल की महिला वेली कॉन्ग की भी टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नई योजना लॉन्च की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने हाल ही में फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नाम की एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों को जिला अदालत व उच्च न्यायालय को जमानत व अन्य आदेश घोषित कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदला जाने क्या नाम रखा गया है। तो इससे पूर्व जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हाईकोर्ट का नाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया था। यह नाम काफ़ी बोझिल हो गया था, इसी वजह से इस नाम से बदलाव का प्रस्ताव आया था। अधिसूचना के मुताबिक अब यह नाम बदलकर सरल होने के साथ साथ अन्य राज्य के हाईकोर्ट के नाम के अनुरूप है। मंत्रालय ने इससे पूर्व जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल और उच्च न्यायालय न्यायाधीश जो न्यायालय के न्यायाधीश है उससे प्रस्ताव पर विचार मांगे थे। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों और उपराज्यपाल ने पिछले साल अक्टूबर माह में ही इस पर सहमति जता दी थी। उसके बाद हाईकोर्ट और तकलीन मुख्य न्यायाधीश ने भी 21 नवम्बर 2020 को प्रस्ताव पर अपनी अनापत्ति दे दी थी। नेक्स्ट ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में 11 लोगों मुखबरी के कारण मरते हैं। तो ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर हर मिनट में 11 लोग मुखबरी के कारण मर जाते हैं, जबकि पिछले वर्ष कोरोना काल में पूरी विश्व में
जैसे हालात का सामना करने वाले लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण विश्व में हर एक मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया है। किसान मित्र योजना के तहत सरकार की तरफ से राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। खास बात है कि यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ उसी साल मई के आए बिजली के बिलों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुभारंभ तथा अन्य विकास कार्यों की लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के संबंधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एम्स्टर्डम में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिपेड स्टील ब्रिज खोला गया है। यह परियोजना एम्स्टर्डम शहर के आदर्शजीट्स एंड आचर बर्गवाल नहर पर खोली गई है। इस ब्रिज को एम्स्टर्डम स्वेट 3D मॉडल प्रिंटिंग अपनी MX 3D ने बनाया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 4,500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नामक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए DRDO ने थर्मल साइट के साथ एकीकृत एक मानव पोर्टेबल लॉन्चर का उपयोग किया था। इस मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड एंड इमेजिंग सिफर वर एडवांस्ड एम्यूनिक्स भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, गूगल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 को अपना डूडल समर्पित किया है। गूगल ने इस डूडल के माध्यम से यूजर को गेम खेलने का मौका दिया है। गूगल ने इसका नाम डूडल यूनियन आइलेट गेम्स रखा है। इसमें यूजर रियल टाइम लीडरबोर्ड के साथ निजा कैट गेम खेल सकता है। यूजर 4 टीम ब्लू, ग्रीन, येलो व रेड के साथ गेम खेल सकता है। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इस साल भारत प्रतिनिधित्व 120 से अधिक खिलाड़ियों का द्वारा जा रहा है, जिसमें अधिकारी, कोच व अन्य सहायक कर्मचारी मिलाकर कुल 228 लोगों की टीम भारत से पहुंची है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, RBI ने फेडरल बैंक का नया MD एवं CEO श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फेडरल बैंक का नया MD एवं CEO श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। श्रीनिवास ने 23 दिसंबर 2010 के बैंक में MD एवं CEO के रूप में कार्यभार संभाला था। बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि RBI ने 23 दिसंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में श्याम श्रीनिवासन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।